बैठ के ये इसका मॉर्निंग का रूटीन रहता है, ये ऐसे यहीं पे बैठता है और चीज़ों का मज़ा लेता है। बाहर कुछ बर्ड्स उसे उड़ते हुए दिखते हैं, वहाँ पानी है नीचे तो बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। हाँ टोक्यो टोक्यो मैं लूँगी अभी टोक्यो के लिए यहाँ से ट्रीट। टोक्यो कम कम दे दे। तो इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ आज, और आज डेट है 16। इसका भी रीज़न है, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्यों इतना दिन हो गया, क्यों इतना लेट हो गया मुझे, बीच में क्यों कोई ब्लॉग नहीं आया मेरा। और उससे पहले हम टोक्यो को खिला देते हैं ट्रीट। तो बोल दूँ कि क्यों मैं बना रही हूँ आज इतने दिन के बाद ब्लॉग, तो बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए कि आज से मेरा जर्नी फिर से होने वाला है स्टार्ट। कहाँ कैसे कहाँ से कहाँ तक किस लिए, ये सब मैं डिस्कस करती हूँ इस चाय के बाद। हेलो सलाम नमस्ते मरहबा वेलकम बैक टू माय चैनल एएसके बाय आप्रिल। काफ़ी वक्त के बाद आई हूँ, खैर माफ़ी चाहती हूँ सब सारी चीज़ों के लिए, लेकिन इस बार जो आने का रीज़न है, जो मकसद है, जो ब्लॉग बनाने का है, वो है काफ़ी अच्छा। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इन्जॉय करने वाले हो मेरे साथ में, क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मेरे साथ, मेरे लाइफ का भी ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है लद्दाख का। ये मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि कैसे बोलूँ एक्चुअली। तो मैं भी थोड़ा सा यू नो जाने दीजिए, कंटिन्यू करती हूँ। तो ऐसा है कि कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बिजी थी, लद्दाख जाने का सारा शॉपिंग प्रिपरेशन चालू था, क्योंकि लद्दाख मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे जाना थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी जगहों पे जाना, क्योंकि पहली चीज़ की है वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, सेकेंडली कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो रहता है, माइनस में चला जाता है, थर्ड ये कि मैंने कभी बर्फ देखा नहीं है, तो वहाँ पे कभी टेम्परेचर बहुत मतलब दिन में गर्मी भी पड़ जाती है और रात में जस्ट अपोजिट ठंडी हो जाता है, तो यू नो बॉडी को इस चीज़ों की आदत नहीं रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे कपड़े सारे मेडिकेशन ये चीज़ रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ मेकअप किट और फलाना फलाना। तो मेरा देखिए कि मैंने क्या क्या एक्चुअली पैकिंग तो मैंने पहले कर लिया था, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप निकाला है कि मैं क्या क्या चीज़ लेके जाने वाली हूँ, तो वो आप पहले देखिए इस पर। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं टैंक बैग से। ये है टैंक बैग जो बाइक के पेट्रोल टंकी के ऊपर जाएगा, इसके अंदर मैंने जैसे कि थोड़ा प्रोटीन बार और ये यूवी प्रोटेक्शन वाला गॉगल, टॉवेल, कैप, मास्क, हैंकी, सैनिटाइज़र, जो भी हैंडी चीज़ें हैं और जो लगने वाली चीज़ें हैं वो इसके अंदर रखने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं आती हूँ मेरे जैकेट की तरफ। तो ये मैंने जैकेट लिया है, ये है डबल कोटेड, एक्चुअली बाहर रेनकोट का भी काम करेगा और अंदर है वूलन का, तो ये डबल प्रोटेक्शन जैकेट है, इसलिए ये मैंने लिया, ये मैंने डिकैथलॉन से ही लिया है। इसके बाद मैं ली हूँ मेरे चार पेयर ऑफ, जिसमें ट्रैक पैंट है, जीन्स है और दो जीन्स है और ये एक लेगिंग्स टाइप का है, क्योंकि बाइक पे जाना है तो ज़्यादा चीज़ें लेके भी नहीं जा सकती, इवन मेरे को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद मैंने साथ में रखा है चार टी शर्ट है, 1 2 3 4, ये एक नाइट के लिए रखा है। फिर आते हैं कैप की तरफ, विंटर कैप है, ये फेस गियर है पूरा फेस कवर करने के लिए, क्योंकि धूल डस्ट और सूरज की किरणों से बचने के लिए, सनरे से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मेरा एक और स्कार्फ है जो मुझे लगेगा, दो छोटे छोटे स्मॉल टॉवल, ठीक है, ये है बैक कवर करने के लिए, तो जो मेरा बैग है उसके पीछे अगर इनके पास बारिश हुआ तो वो कवर करने के लिए लिया है। ये मैंने ये एक हैंड ग्लव्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो शूज़ लिए हैं, ये मैं पहनने वाली हूँ लद्दाख में, लेकिन ये उससे पहले पहनूंगी क्योंकि ये विंटर शूज़ है, इनकेस बारिश हुआ, बर्फ़ ज़्यादा गिरी, अगर ये गीला हो गया तो पैर में मैंने ये एक रखा है। अब इस साइड आते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ये डेनिम का जैकेट, एक वूलन जैकेट लिया है, और मैंने दो थर्मल वेयर लिए हैं, एक ब्लैक वाला और एक ये चारकोल कलर का जो दिख रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए भले आप आपके जो टी शर्ट है कम लीजिए, लेकिन इनर वेयर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इसलिए मैंने दो इनर वेयर लिया है, थर्मल वेयर है, और जैकेट में देखा जाए तो एक जैकेट, दो जैकेट और ये हो गया तीन जैकेट विंटर के लिए।
ये मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया है क्योंकि थोड़ा अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो दिक्कत ना हो करके मैंने ये ले लिया है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया, ये मुझे कुछ 2000 में पड़ा है। ठीक है, ये सारा मेरा ग्रूमिंग किट है ये। देन यहाँ पे है सारा मेडिकेशन अभी। तो ये है मेरा हेलमेट, कुछ ऐसा है। इस पे अंदर पे इंटरकॉम लगा हुआ है, तो ये भी करने वाली हूँ मैं कैरी। ओके, और इसके बाद ये रहेगा। ये लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप रहती है जो आपको फील नहीं होता लेकिन आपको टैन कर देता है। तो ये लिया है मैंने, ये एक हाफ जो हैंड वाला ग्लव्स रहता है वो। ओके, देन उसके बाद लिया है मैंने हाइड्रेशन पाउडर, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको हाइड्रेट रहने के लिए। अब वहाँ पे क्या इतनी ठंडी रहती है तो पानी पीने का दिल नहीं करता है, तो एटलीस्ट आप एक ग्लास ये घोल के पी लिए दिन निकलने से पहले या अपना जर्नी स्टार्ट करने से पहले। तो ये हमने ले लिया एक हाइड्रेशन पाउडर। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें रेनकोट, क्योंकि बारिश कब होगी कुछ पता नहीं है। अब बारिश का सीज़न भी स्टार्ट हुआ है तो मैंने रेनकोट ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है थर्मस, क्योंकि ये गर्म पानी रखेगा, तो पानी अगर लेके गए और जम गया तो एटलीस्ट एक थर्मस तो होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कुछ है सारी चीज़ें। और हाँ, और कुछ दिखाना है आपको, मैंने ये प्रोटीन मैक्स का ये प्रोटीन ले लिया है, मैक्स प्रोटीन, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है जिसमें आलमंड और कैशियो है, और मैंने प्रोटीन बार भी कहीं रखा है ये। तो ये मैंने बहुत सारा लिया है लेकिन मैंने ऊपर में सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए दो डाल दिया है। तो ऐसा कुछ है मेरे लद्दाख ट्रिप का लगेज बैग, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जाने वाली लगेज बैग नहीं है, मतलब सारी चीज़ें जो मैं कैरी करने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें जाने वाली हैं इस बैग में। तो देखते हैं मैं इसे कैसे डालती हूँ इसके अंदर सारी चीज़ों को। हेलमेट को छोड़ के सारी चीज़ें इस पे ही जाने वाली हैं, तो ये करना है मुझे रेडी। तो सारी चीज़ें इन द सेंस कि ये सब तो पहन लूँगी मैं, जूता पहन लूँगी तो थोड़ा कम सामान बचेगा, तो वो जितना हो सकता है मैं इस पर डालूँगी। तो चलिए जल्दी से डालते हैं इसे फिर। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैंडेटरी चीज़ें हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि चलो एक जैकेट लेके चले जाओ, दो तीन सॉक्स लेके चले जाओ, नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल होता है, कभी बारिश भी हो सकती है, और मैं बाइक में करने वाली हूँ जर्नी। यस, तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए थोड़ा एडवेंचरस राइड रहेगा मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं बाइक में कभी इतने हाई एल्टीट्यूड पर गई नहीं हूँ। मैं मतलब मैंने दिल्ली के आगे तो मैं गई नहीं हूँ यार, मैंने कश्मीर अपनी ज़िंदगी में अभी तक नहीं देखा है। मुझे इतना अफसोस होता है ना कि मैं पहले क्यों नहीं गई, बट एनीवेज अभी जा रही हूँ तो और ज़्यादा देखूँगी पूरा, मतलब लाइक अच्छे से देखूँगी। बट ये कश्मीर का ब्लॉग नहीं रहेगा क्योंकि कश्मीर में हम स्टे करने वाले हैं सिर्फ 2 डेज। इसमें एक और चीज़ ऐड होने वाला है कि ये जो मेरा लद्दाख का ट्रिप है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं गई और घूमी और आ गई कार, और मैं ये जो लद्दाख का ट्रिप करने वाली हूँ बाइक में, यस बाइक में, क्योंकि लद्दाख हर इंसान का, हर बाइकर का जाने का एक ड्रीम होता है कि वो लद्दाख की वादियों में बाइक चलाए। तो मैं तो बाइकर नहीं हूँ, बट मेरा जो पार्टनर है अयान, ही इज वे टू श्रीनगर। उसके बाद से पूरा एडवेंचर राइड होने वाला है। तो ये सारा जो बैकग्राउंड में है, ये सारी चीज़ें मैं कैरी करने वाली हूँ। तो आज मैं घर से निकलने वाली हूँ ऑलमोस्ट 12 o'clock, और अभी मेरे पास वैसे बहुत टाइम है क्योंकि मैंने प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रही थी, तो सारी चीज़ें हो गई है, सब कुछ रेडी है, पैक है, बस मुझे तैयार होना और जाना है। और रही बात टोक्यो की, तो टोक्यो रहने वाला है रेशमा दीदी के साथ, जैसे लास्ट टाइम था टोक्यो वैसे इस बार भी वो रहेगा, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट रेडी नहीं हुई हूँ बट मैं नहा ली हूँ, और अब मैंने बाल धोया, मैंने सोचा धो लेती हूँ, पता नहीं कश्मीर में जाने के बाद ठंड की वजह से बाल धोने को मिले या ना मिले। तो मैंने फुल हेयर वॉश कर लिया, बाल ड्राई हो रहे हैं मेरे, और मैं बना रही हूँ अभी। मैंने सोचा कि 12 बजे मैंने कैब बुक किया है, अभी तक उन्होंने मुझे ड्राइवर अलाइन जो भी रहता है वो नहीं किया है, तो मैं उसी का ही वेट कर रही हूँ। 12:30 या 12 o'clock का मैंने टाइमिंग डाला है उसमें। मैं सोची कि उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, तो मेरा चावल हो गया फ्राई, जैसे हम बोलते हैं तला चावल, तो ये अभी खा के मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बज गया 11, तो अभी अपने पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारी दीदी आ गई मेरी करता धरता टोक्यो को संभालने के लिए। नहीं, गैस नीचे से नहीं बंद करी हूँ अभी, दीदी का चालू है कि गैस बंद किए क्या है क्या नहीं है, पर अपने को टेंशन नहीं है क्योंकि दीदी ये सब संभाल लेंगे। और टोक्यो मम्मी जल्दी आएगी, गुच्छा निकलना, गुच्छा कलेगा मेरा बच्चा, नहीं करना।
सब ले ली। ये मेरा टोकियो, जल्दी आएगी मम्मा, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। अभी नीचे हाथ पे लेके जाऊंगी, वहां पे गाड़ी में डाल दूंगी। हाँ ये भी लेके जाना है, उस पर हेलमेट है, मतलब बच्चों। अगर हम यहाँ पे, ये मेरे छह ना कन्फर्म रखूंगी पीछे इधर सीट पे, ये बस। हाँ हाँ ये बस। तो दीदी चल रहे हैं हम, जाओ। हमारा, हमारे बच्चे का, टोक्यो का, सबका ख्याल रखना। तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, और अब भी जस्ट निकली मैं, दीदी मुझे छोड़ने के लिए नीचे आई हुई थी, टोक्यो घर पे ही है, सो रहा था वो, उसे खूब सारा पप्पी चुप्पी देके आ गई मैं, और अभी मैं पीछे ही बैठी हूँ, बट जैसे ही लोनावला लगेगा तो मैं आगे बैठ जाऊंगी, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे शॉट लेके दिखा सकूँ। मुंबई आ गई मैं, फ्लैट पे भी आ गई। इस बैकग्राउंड को देख के आप लोग पहले भी वाकिफ थे, और जाना पहचाना लग रहा है, क्योंकि जब मैं घर जा रही थी छत्तीसगढ़ तो भी मैं आई थी और यहाँ रुकी थी। लेकिन आज आने के बाद, सबसे पहले मैं इस रूम में आने के बाद, मैंने विनोद भाई का जो सीरियल है वो देखा, और उनके कैरेक्टर को देख रही हूँ अभी। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये आता है कलर्स में, ये है हमारे विनोद भाई। तो मेरे घर वाले मिले हैं तो वो पहचान सकते हैं, वो देखते हैं कलर्स में सीरियल, हमारे विनोद भाई। विनोद भाई कांग्रेचुलेशंस कि आप कलर्स टीवी में आ गए हैं, यो। तो अभी बज रहे हैं 4, फिलहाल तो 4 बज रहे हैं, और मुझे पीना है चाय। तो हमारी दीदी ने बना दिया है चाय। यस, यहाँ पे हमारी दीदी आती हैं, जो हमारे लिए, कभी कभी हम आते हैं तो हमारे लिए खाना बना देती हैं। दीदी ने, जब मैं रमजान में घर जा रही थी तब भी दीदी ने बहुत खाना तब भी बनाया था, और आज भी दीदी ने अभी आते साथ मेरे लिए चाय बना दिया। थैंक यू दीदी, हंस रही। और एक चीज़ से मैं आप लोगों को आज रूबरू कराने वाली हूँ, एक नई चीज़ है। इससे पहले मैंने मेरे चैनल पे ये चीज़ कभी नहीं दिखाई होगी और ना ही बताई होगी, क्योंकि ये जो एक, ये एक्चुअली एक काम है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक टी शर्ट का ब्रांड लेके आने वाले हैं, जिसके बारे में आगे जाके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, क्या नाम है ब्रांड का और कब लॉन्च करने वाले हैं और कैसे कैसे चीज़ें चलने वाली है। बट फिलहाल मैं सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो क्लोथिंग ब्रांड है ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इसका कुछ सैम्पल हमने जो बनने के लिए दिया था वो आ गया है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आई डोंट थिंक सो इस पर क्लियर दिख रहा होगा कैमरे में, बट ये एक्चुअल में जो कलर है बहुत ही अमेजिंग है, और इसमें हमने जो ऑर्डर दिया है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, बट ये एक्चुअली में अभी सैम्पल पीस है, तो ये अभी आया है और सारे जो ऑर्डर्स है वो बाद में बन के आएंगे। तो इसमें से सिर्फ एक वाइट टी शर्ट है, ये एक ग्रे एंड वाइट में है, ये एक बेबी पिंक में, ये बेस कलर और ये ब्लैक कलर, तो ऐसा कुछ है ये कॉम्बिनेशन। ये कोएड ड्रेस है, मतलब इस पर लाइक टी शर्ट और ट्रैक पैंट भी है,
तो ये करने वाली हूँ कल मैं ट्राई. यस तो कल पहन के देखूंगी मैं क्या है कैसा है, फिर जो हमारा जो काम है फिर इसके बाद ही आगे स्टार्ट होगा कि इसकी फिटिंग देखनी है, इसकी क्वालिटी देखनी, बहुत सारी मतलब क्वालिटी चेक होने वाला है. इसलिए कल मैं ये पहन के यही ट्रैवल करने वाली हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा है, उसके बाद इसका प्रोसेस चालू होगा. तो फिलहाल अभी कर रही हूँ मैं मेरी चाय एंजॉय, मुझे दीदी ने बना के दिया है, और थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में. तो अभी बज गया है रात के 10 और कल मुझे जल्दी उठ के जल्दी एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जल्दी जाना बहुत पसंद है, स्पेशली मुंबई का एयरपोर्ट. और देखा तो बहुत सारे एयरपोर्ट हैं लेकिन मुंबई के जैसा एयरपोर्ट मुझे कहीं और पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं मुंबई का एयरपोर्ट हमेशा जल्दी जाती हूँ. तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल नए दिन और नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए अलविदा. शब्बा खैर. जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, और कॉमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा ये. बाय बाय.